Hi guys, good to all. बार फिर से आप सबका स्वागत है, पे, so, finally, 5th आ चुका है और मैंने आपको बताया था कि 5th ऑफ सेप्टेम्बर को होने वाला है एक ग्रांड इवेंट ओके तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन की क्लास को शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच क्योंकि आप लोगों के जो विशेष है वो लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि एक टीचर को एक टीचर की जो पोस्ट होती है ना आप कह सकते हो कि एक जो एजुकेटर होता है एक्चुअल में वो एजुकेटर कब बनता है जब स्टूडेंट्स का ट्रस्ट उसमें होता है और ये जो ट्रस्ट है ये ट्रस्ट आप आप लोगों लोगों ने क्रिएट किया है दैट्स अ रीजन आई एम हियर ओके चलिए तो थैंक यू सो मच के इतने सारे प्यार के लिए और हाँ एक चीज और विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी टीचर्स डे इसका भी रीजन है इसका रीजन ये है कि हर दिन हम आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं कभी कभी बड़े ही ज्ञान की बातें भी सीखने को मिल जाती हैं है ना एक तो जैसे वही हो गया देख रहे हो ना विनोद सो सो मेनी थिंग्स जो आप लोगों से सीखने को मिलती है लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो मैं आपको बता दू आज का जो आपका क्लास है ये रिकॉर्डेड मोड पे रहेगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑगस्ट का कंपाइलेशन क्योंकि आज मुझे बेंगलुरु निकलना था तो सुबह क्लास लेना पॉसिबल नहीं था ठीक है तो आज का जो करेंट अफेयर्स है जो आज के पेपर्स के अंदर आएगा वो आप लोग कब पढ़ेंगे जब आपका वीकली वाला सेशन आएगा यानी कि जो आपका संडे आएगा ना अगला वाला उसी में पांच तारीख का और छह तारीख का दोनों का करेंट अफेयर्स पढ़ा देंगे अब ये मत कहना कि मैम देन व्हाट अबाउट सैटरडे एंड संडे तो ये सैटरडे संडे का क्लास मैंने कल सुबह ही ले लिया था अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा चलिए इसके अलावा आपके दो स्पेशल क्लासेस होते हैं पहला वाला जो स्पेशल क्लास है ये है शाम को चार बजे दूसरा जो है वो आपका है सुबह सवा दस बजे अरे सुबह सवा दस बजे पहला है शाम को चार बजे दूसरा है इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं उसके बाद में क्लास रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है सच बात तो ये है तुम लोग झूठ तो बोलते नहीं रियालिटी यही है पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड है बट दिस इवेंट इज फुल ऑफ एनर्जी ये इवेंट आज होने वाला है शाम को तो छह बजे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसको लाइव कनेक्ट हो गए क्योंकि ये इवेंट हम लोगों के लिए तो है ही मतलब यहाँ पे कुछ एजुकेटर्स आपको वहां मिलेंगे कुछ बहुत बड़े बड़े नामी गिनी लोग आपको मिलने वाले हैं और उसमें से एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप लोगों के फेवरेट भी है वो भी आपको मिलेंगे और बस आपको करना क्या है आपको इसको लाइक ज्वाइन करना है इसका लिंक जो है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है शाम को छह बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा आज ये इवेंट आपका रहेगा ठीक है चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे अपना पांडा चल चुका है और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग सेट हो चुके होंगे क्लास के लिंक को एक बार से शेयर मार दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स 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 ऑफ ऑफ इश्यूज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंस्टा पे लाइव आप लोगों से आके मुलाकात करते रहे और का जो पूरा इवेंट है इसमें कुछ क्लिप्स निकाल के आपके साथ में शेयर की जाए ठीक है तो वो सब चीजें चलती रहेंगी लेकिन उससे पहले ऑगस्ट का करेंट अफेयर चलिए आगाज किया जाए पहला सवाल आपके सामने आता हुआ सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है बहुत चुटकियों में सॉल्व करना वेरी फास्ट ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है यूके के द्वारा और इस अवार्ड को किसको दिया गया ये अवार्ड दिया गया है इस बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट को क्योंकि इन्होंने इस टाइम में यानी कि ये जो टाइम चल रहा था रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस वाला उसमें काफी अच्छी तरीके से चीजों को फेस किया है अगला सवाल इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे अभी हाल ही में 300 हंड्रेड पुराना एक डायमंड पाया गया था जिसका नाम क्या था लूलो रोज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर बनेगा एंगोला क्या है एंगोला इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल इंडिया और उमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नाजा अल नाजा अल नागा दोनों में से कोई भी अगर आपसे पूछ ले तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इंडिया एंड उमान के बीच में अभी हाल ही में इसका कौन सा एडिशन है जिसका आयोजन किया गया आपको एडिशन बताना है मैं ना बता रही आप ही बताओगे एडिशन नंबर पूछा गया है इसको गलत मत करिएगा ये एक्सरसाइज कौन से एडिशन की कंडक्ट की गई है फटाफट पड़ से लिखते हुए चलना क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे ही चुटकियों में आपके आंसर आने चाहिए गलत नहीं होना चाहिए वो अगला सवाल मैं तारी न्याय रथ योजना ये जो योजना है ये स्पेशली विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई है ये कहाँ पे लॉन्च हुई छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया भूपेश बघेल जी के द्वारा मैंने आपको कल के करेंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ गए हैं तो उस आर्टिकल को भी जरूर से पढ़ लीजिएगा चलिए अगला सवाल वर्ल्ड डे डे अगेंस्ट इन पर्सन 2022 ये 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 कब कब सेलिब्रेट किया जाता है है तो ये जो पर्टिकुलर है, ये होगा 30 जुलाई को सेलिब्रेट होगा और ह्यूमन ट्राफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23 जिसके अंदर ह्यूमन ट्राफिकिंग को कंट्रोल करने का काम किया जाता है यहीं पर अगर फोर्स लेबर की बात करोगे तो फोर्स लेबर को भी कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल नंबर ट्वेंटी थ्री आपको मिलेगा अगला सवाल थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया वेतनाम आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है विंबेक्स। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा चंडी मंडी के अंदर किया जाएगा ये कहाँ पर लोकेटेड है ये कहां पर लोकेटेड है इंडिया और वियतनाम के बीच में विम्बेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में फिलीपींस को अपनी जो टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने रशिया से ली थी कौन सी वाली टेक्नोलॉजी ब्रह्मोज वाली उसको ट्रांसफर भी करेगा किसको वतनाम को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा क्या बनेगा हरियाणा इसका राइट आंसर बनेगा कुछ बच्चे क्लास में देरी से ज्वाइन कर रहे होंगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड पे है आप सभी को पता है आज इवेंट है शाम को जिसकी वजह से मुझे बेंगलुरु जाना था इसी ये क्लास आपका रिकॉर्डेड है ये वाले दिन का करेंट अफेयर्स और कल के दिन का करेंट अफेयर्स दोनों को हम पढ़ाएंगे अगले वाले संडे को जो आपका अपकमिंग संडे है और सैटरडे का और संडे का करेंट अफेयर्स जो अभी पिछले दो दिनों का था वो मैंने आपको संडे को पढ़ा दिया है। ठीक है और कल यानी कि छह तारीख को रहेगा आपका वीकली एम सी क्यू एक तारीख से लेके पांच तारीख तक का सेशन जो है वो हम आपका लेंगे कब कल ठीक है पूरी कोशिश है वो क्लास जो है वो आपका लाइव हो पाए ओके चलिए इसका आंसर बताइए सवाल में कहा जा रहा है एम एच सिक्सटी आर ये क्या है रोमियो रोमियो इसको अभी लाया गया है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के साथ में इसके लिए डील की तो दैट इज यूएसए यूएसए के साथ में डील की गई अगला सवाल इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा सिटिंग्स का आयोजन किया गया और ये नंबर ऑफ सिटिंग्स कितनी है सिक्सटी है आपको स्टेट का नाम बताना है तो स्टेट कौन सी हो जाएगी केरला के अंदर सबसे ज्यादा सिटिंग्स आपको देखने को मिली अगला सवाल इंग्लैंड ने जर्मनी को अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट के अंदर हराया है जिसका नाम है यूरो 2022। सवाल में कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया तो पहली चीज तो ये है कि ये टूर्नामेंट जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है अंडर सेवनटीन वाला जो विमेन्स का फुटबॉल है इसका आयोजन इंडिया के अंदर ही अब किया जाएगा और ये ध्यान रखना इसका आयोजन कहाँ पे हुआ लंदन के अंदर इसका आयोजन किया गया अगला सवाल मिंजर मेला मिंजर मेला इसका आयोजन इनमें से कौन से राज्य के अंदर किया जाता है देखो झारखंड तो नहीं है यहाँ पे तो कर्मा डांस फॉर्म होता है और यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ढोलू कुनेथा होता है अब क्या बचा दिल्ली बचा या नन ऑफ दबक बचा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है नन ऑफ दबक क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाता है अगला सवाल अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था सवाल में पूछा जा रहा है कि इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है ये पुलिसिंग के लिए दिया गया और ये अवार्ड दिया है किसको तमिलनाडु को किसको तमिलनाडु को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी अगला सवाल ओलंपिक्स हैं जो, जो पेरिस है, में, में सवाल में कहा जा रहा है, क्या है? ये पिछले वाले का है जो की टोकियो के अंदर हुआ था जिसे हम टोक्यो ओलम्पिक्स के नाम से जानते हैं ब्लैक पिच एक्सरसाइज ब्लैक पिच एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और इस बार का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही कंडक्ट किया गया अगर आपसे इंडेक्स पूछा जाए तो ये भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है या मालाबार एक्सरसाइज अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है अगला पंजाब खेड़ा मेला इसका आयोजन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को किया गया जो कि क्या था नेशनल स्पोर्ट्स डे था पंजाब के अंदर इसका आयोजन होता है सवाल में कहा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल कितने इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा यानी कि टोटल कितने खेल होंगे तो इसके अंदर टोटल तीस आपको अलग अलग इवेंट्स देखने को मिलेंगे अगला पोस्टल स्टैंप ऑन पिंगाली वेंकैया पिंगाली वेंकैया जी के नाम पर पोस्टल स्टैंप को तो जारी किया गया सवाल में पूछा जा रहा है कि ये पोस्टल स्टैंप जो है कब जारी किए जाते हैं तो ये जारी होते हैं सेकेंड ऑफ ऑगस्ट को सेकेंड ऑफ ऑगस्ट जो है वो इनका हैप्पी वाला बर्थडे है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया के फ्लैग को बनाया था अगेन आई रिपीट कि कल सुबह आपका वीकली एमसीक्यू रहेगा पूरी कोशिश है कि मैं उस क्लास को लाइव लू ठीक है अगला सवाल सेंटर अनाउंस की भाई एक अलग से कमेटी बनेगी मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं वी के पॉल सवाल में कहा जा रहा है कि इसको इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग ने इनकी फॉर्मेशन की है अगला सवाल इनमें से कौन सा ऐसा देश है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने अपने यहां पर सोने के सिक्के अरे वो मौसी थी ना बस वही पूछा जा रहा है सोने के सिक्के जारी किए हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके नेम द कंट्री बताओ हम्म इसका आंसर बनेगा जिम्बाब्वे क्या है जिम्बापे। जिम्बापे की कैपिटल कैपिटल क्या है हरारे अगला सवाल सवाल इसका नाम गन हिल रखा गया में कहा जा रहा है ये कहां पर लोकेटेड है कल के अफेयर्स का जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने आपको सैटरडे संडे दोनों का करेंट अफेयर्स पढ़ा दिया ताकि आपका वो छूट ना जाए क्योंकि मंडे को जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है ना करंट अफेयर्स में वो सैटरडे संडे की तो होती है ना तो वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया तो आज का तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा तो टेंशन मत लेना पता टेंशन ही आ गए अरे और अब क्या करें अब तो कोई और क्लास देखना पड़ेगा डोंट वरी मैंने पहले ही पढ़ा दिया समझ गए चलिए अच्छा अब यहाँ पे ये जो सवाल है इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा द्रास क्या है द्रास इज द राइट आंसर अगला सवाल मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में आयोजित की गई सवाल में कहा जा रहा है कि इसका आयोजन हुआ है इंडिया की तरफ से कौन सा आई है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से कौन सा है एक तो ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है बचे दो ऑप्शन सतपुरा या फिर तर्कश कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में लिखो सतपुरा जो है ये तो अभी यूएसए के अंदर भी गया था आपको बताना है कि ये कौन सा वाला इसमें से आई रहेगा अगला सवाल प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर किसको अपॉइंट किया गया है ये कौन हो जाएंगे सतेंद्र प्रकाश ठीक है इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है अगला सवाल इसरो के ऊपर इसरो ने स्मॉल इस सैटेलाइट लॉन्च जो है, इसको 7 अगस्त को लॉन्च किया ये वही है जिस दिन हम लोगों ने कहा था कि भाई इसको लॉन्च किया जाएगा लॉन्च किया जाएगा तो ये लॉन्च तो किया गया लेकिन जैसे ही पंद्रह अगस्त का दिन आया आजादी का अमृत महोत्सव आया वैसे ये भी पूरी तरीके से आजाद हो गया क्योंकि ये किधर चला गया कुछ पता नहीं चला तो इसको आजादी मिल गई तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था ये कहाँ से लॉन्च किया गया था आपको जगह का नाम बताना है कटक नो no. एपीजे अब्दुल कलाम आर एन नो no. इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा श्री हरिकोटा आंध्रा से लॉन्च किया गया था अगला सुजो लाल थाउसेन इनको भी हाल ही में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया वैसे तो इनके पास में जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी एस है ठीक है लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज जो है वो किसका दिया गया है तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस का जो चार्ज है वो इनको दिया गया है अगला सवाल फोर्थ ऑयल नेचुरल गैस कॉपोरेशन गेम जो है इनको भारत में कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाएगा कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया और हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था अगला सवाल इनमें से कौन सा एडिशन है जो इंडिया और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन करेगा और ये चाइना का जो टेंशन है ना बॉर्डर टेंशन है उसके चलते इसको आयोजित किया जाएगा ये है युद्ध अभ्यास क्या है युद्ध अभ्यास अक्टूबर में इसका आयोजन होगा कौन सा एडिशन होगा एटीन एडिशन है जिसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड से लेके लद्दाख का जो बॉर्डर तक का एरिया है वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा अगला सवाल फर्स्ट इन इंडिया ऐसा सिस्टम जो कि पूरी तरीके से 360 पे घूम सकता है ये कश्मीर लॉन्च होगा वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर सवाल में कहा जा रहा है कि इसको बनाएगा कौन तो टाटा स्टील के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा अगला सवाल सोनवाल जी इनके द्वारा चाह चा डे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया चाबहार की अगर बात करो तो ये पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर लोकेटेड है और इसकी जो बैठक का आयोजन है वो कहां पर हुआ मुंबई के अंदर किया गया कहां पर मुंबई के अंदर किया गया अगला पीएमओ ऑफिस के अंदर डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया अच्छा आप इसका आंसर करो तब तक कुछ बात कर लेते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ हम मंथली या वीकली एमसीक्यू पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लेंगे टू टू बी बी वेरी वेरी फ्रैंक फ्रैंक ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है अब यहाँ पे क्या चल रहा है रिविजन चल रहा है अब तुमको पूरी रामायण पता ही नहीं है कि यहाँ पे पूरी रामायण मैंने तुम्हें सुनाई क्या थी तो जब तक आप उसको नहीं सुनोगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे इसका आंसर क्या है श्वेता सिंह इज द राइट आंसर सी जी आई रमना जी को अभी रिप्लेस करके नए वाले जो बने हैं फोर्टी नंबर के बने हैं जिनका नाम क्या है यू यू ललित क्या नाम है यू यू ललित कितने दिनों के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है डेज है ना अब इसके बाद में फिर एक नया नाम पढ़ना पड़ेगा चलो अगला सवाल छ और वेटलैंड जुड़ने के बाद में तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको वेटलैंड देखने को मिलते हैं सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर वेटलैंड की जो संख्या है वो कितनी हो गई देखो प्रेजेंट टाइम में जो संख्या है वो तो सेवेंटी फाइव हो गई राइट लेकिन दस अगस्त तक की अगर आप बात करें तो ये कितने हो गए थे फोर हो गए थे उसके बाद में कितने और जुड़ गए यहाँ पे ग्यारह और जुड़ गए और अब ये कितने हो गए सेवेंटी फाइव हो चुके हैं तो अगस्त एंड होते होते साइट्स या राम सर हो चुके हैं अगला फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इसको जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा किसके द्वारा आरबीआई इसको जारी करता है अगला सवाल आदिपुरम आदिपुरम ये जो फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है तो इसका आयोजन तमिलनाडु में होगा ओनम फेस्टिवल पोंगल फेस्टिवल उगाड़ी फेस्टिवल आ, ये आपका गुड़ी पर्व फेस्टिवल गणेश चतुर्थी ये सारे फेस्टिवल्स आपके पेपर में आते हैं सो बी प्रिपेयर अगला सवाल कहा जा रहा है कि इंडिया के द्वारा खुद से डेवलप किया हुआ लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो है इसको भी हाल ही में टेस्ट किया गया सवाल किस जगह से इसको टेस्ट किया गया तो इसको टेस्ट किया गया है कहाँ से महाराष्ट्र से किसका इस्तेमाल करते हुए अर्जुन टैंक का इस्तेमाल करते हुए इसे टेस्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल विमेन नेवी क्रू जिन्होंने अभी हाल ही में एक सर्विलांस सिस्टम जो है उसको खत्म किया है अरब सागर के ऊपर और डॉनियर नाम का जो क्राफ्ट था यानी कि जो एयरक्राफ्ट था जो जेट था उसकी सहायता से इसको पूरा किया है ये वही डोनियर है जो कि क्या किया जा रहा है श्रीलंका को दिया भी गया है और इन्होंने जो पूरा सर्विलांस था वो कहाँ पर किया अरब सागर के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरा लिख के बताना कि कैप्टन कौन थी कैप्टन कौन थी अगला सवाल आरबीआई ने अभी हाल ही में जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंडिया का कितना बताया है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना बताया है सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट बताया गया है आईएमएफ और एडीबी जो होते हैं ना ये सब के सब तो वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताते ही रहते हैं है ना बट आरबीआई जो है उसने भी यहाँ पे अपना डेटा जो है उसको बताया है अगला धनूरी ये क्या है एक मिशन है सवाल में कहा जा रहा है कौन सी कंट्री का ये मून मिशन है तो इसका आंसर है साउथ कोरिया का सबसे पहला ये मून मिशन है अगला सवाल इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने लकी बिल ऐप को लॉन्च किया है ताकि जीएसटी इन्वेशन जो है इनको कंट्रोल किया जा सके इसको कंट्रोल किया जा सके हम्म क्या होगा केरला इज द करेक्ट आंसर अगला बी ने अभी हाल ही में बोला है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एक ऐसा राज्य है जहां पे बी क्या करेगा जहां पे बी डेवलप करेगा एक स्लैग रोड और ये डेवलप की जाएगी कहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ताकि ये जितनी भी दिक्कतें होती हैं इन सबको क्योर किया जा सके अगला इनमें से कौन सा ऐसा डे है जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है तो सद्भावना दिवस हो या फोटोग्राफी डे हो दोनों का दोनों 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है चले नेक्स्ट पे आइए इनमें से कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है मेक इन इंडिया नंबर वन देखो इंडिया को नंबर वन बनाने के लिए यहाँ पर एक मिशन को लॉन्च किया है और ये किसने लॉन्च किया है दिल्ली ने लॉन्च किया किसने दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगली न्यूज कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्ल्ड डबल डेकर बस जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ पे लॉन्च की गई है देखो लखनऊ में तो नहीं है है ना इंदौर में भी नहीं है बचा कोलकाता या फिर मुंबई कोलकाता या फिर मुंबई आप आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर क्या है मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया इसको लॉन्च किसने किया तो रोड मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अगला सवाल प्रवासी दिवस 2023 में कहां पर मनाया जाएगा प्रवासी दिवस जो है वो दो साल में एक ही बार आयोजित किया जाता है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 का जो आयोजन है वो एमपी के इंदौर के अंदर किया जाएगा कहाँ होगा इंदौर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा अगला सवाल इसमें से कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% टैप वाटर कनेक्शन का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है अगर आप स्टेट की बात करोगे तो गोवा होगा अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो दमन एंड दीव होगा ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। सीएम शिंदे, दही हांडी फेस्टिवल को क्या बनाया जाएगा ऑफिशियल स्पोर्ट्स बनाया जाएगा सवाल में कहा जा रहा है कौन से राज्य में ऐसा किया जाएगा तो दही हांडी जो फेस्टिवल है ये ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे मनाया जाता है जन्माष्टमी के समय पर है ना तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको ऑफिशियल स्पोर्ट जो है वो कहां का बनाया जाएगा तो ये महाराष्ट्र के अंदर ऐसा डिक्लेयर किया गया पर महाराष्ट्र के अंदर नेक्स्ट पे आइए इनमें से कौन सा शहर है जो बास्केटबॉल अंडर 18 विमेन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन करेगा बास्केटबॉल अंडर 18 विमेन्स एशिया कप का आयोजन करेगा तो ये किया जाएगा किसके द्वारा बेंगलुरु के द्वारा किसके द्वारा बेंगलुरु के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा अगला सवाल गाइस सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा ठीक है ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में है क्योंकि आज शाम को इवेंट है और सभी बच्चे जरूर से उसको ज्वाइन करना ठीक है भले ही दस मिनट पंद्रह मिनट लेकिन एटलीस्ट आके एक बार से थोड़ा अपने आप को एंटरटेन जरूर से करिएगा विलियम रूटो इनको भी हाल ही में कहा के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है तो विलियम रूटो जो है कहा जाएंगे केनिया घाना सुरान नामीबिया या फिर रुमान कहां पे जाएंगे तो ये जाएंगे कहाँ पर केनिया के अंदर कहां केनिया में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है अगला एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ सिटीज इस डेटा को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है इसका आंसर क्या होगा दिल्ली इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बनेगा अगला सवाल कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे हुना पोंगपी फेस्टिवल का आयोजन किया गया ये फेस्टिवल जो है नागालैंड के अंदर आयोजित किया गया इसमें क्या होता है इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है ये बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पर नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट होता है कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है तो संगटाम कम्युनिटी जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है अगला सवाल वोस्टोक एक्सरसाइज वैसे ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है बॉस्टो एक्सरसाइज रशिया के अंदर आयोजित की जा रही है इसके अंदर रशिया चाइना इंडिया ये सभी के सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसी के साथ साथ जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है इसका आयोजन भी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जा रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में अगला सवाल नाइट सफारी पार्क कहां पर बनाया जाएगा नाइट सफारी पार्क जो है वो लखनऊ के अंदर जो कुकरेल नाले वाला एरिया है वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट पे आइए विद्यारथ स्कूल ऑन द व्हील स्कूल ऑन द व्हील इसको अभी हाल ही में कौन सी जगह पे लॉन्च किया गया है विद्यारथ स्कूल ऑन द व्हील इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर आसाम के अंदर इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है जिसके अंदर क्या होगा यूनिफॉर्म्स भी दी जाएंगी बुक्स भी दी जाएंगी एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड मिड डे मील मीलो अगला सुपर सुपर वासुकी सुपर वासुकी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है ये ट्रेन और ये सबसे ज्यादा लंबी ट्रेन है और ये ध्यान दीजिएगा कि इसका डिस्टेंस कितना है 3.5 किलोमीटर सॉरी हाँ किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रेन आपको मिलेगी चार मिनट लगते हैं एक स्टेशन को पार करने में अगला सवाल मांडला रीजन जो है यहाँ पे ट्राइबल एरिया आपको ज्यादा मिलता है सवाल में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको ट्राइबल एरिया देखने को मिलेगा वो कौन सी वाली ट्राइब आपको यहाँ पर मिलेगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोन ट्राइब जो है वो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी अगला सवाल लेख गर्दा लेख गर्दा ये क्या हो रही है सूख रही है क्यों क्योंकि इसका पानी जो है वो तो कहां चला गया वो रिवर में चला गया तो ये कहाँ मिलेगी आपको ये आपको इटली के अंदर मिलेगी ये रही वो लेक अगला सवाल पालन वन थाउजेंड कैंपेन इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया ये कौन सी तारीख को लॉन्च किया गया तो ये लॉन्च किया जाता है कब अच्छा यही बता दें ये लॉन्च किया जाता है कब सोलह अगस्त को इसको लॉन्च किया जाएगा चलिए नेक्स्ट पे आइए इनमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो बनाएगा विलेज डिफेंस गार्ड यानी कि एक ऐसे यहाँ पे विलेजेस बनाए जाएंगे जहां के यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये किया जाएगा जम्मू जा एंड कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा अगला सवाल राजनाथ सिंह जी ने भी हाल ही में स्टेचू ऑफ वीर दुर्गा दास राठौर जी का जो स्टेचू है उसे अनवील किया है सवाल में कहा जा रहा है कि कहाँ पर इसको अनवील किया गया है तो राजस्थान के अंदर इसको अनवील किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा बताइए इंडिया के अंदर सबसे पहले थ्री डी कॉर्निया डेवलपमेंट या इसका डेवलपमेंट पर किया गया है तो ये हो जाएगा आपका आईआईटी हैदराबाद के साथ में मिलके एक प्राइवेट कंपनी ने थ्री मॉडल जो है कॉर्निया का वो डेवलप किया है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आईआईटी हैदराबाद अगला सवाल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है सवाल में कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है ऑपरेशन आहत नहीं है ऑपरेशन सहेली नहीं है शक्ति नहीं है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इज द राइट आंसर क्या है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल अजलन शाह कप इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा अजलन शाह कप जो है ये हॉकी से जुड़ा हुआ कप है और इसका आयोजन जो है वो हर साल आपको एक ही जगह मिलेगा दैट इज मलेशिया कहां पर होगा ट्रूली एशिया मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया जाता है अगला सवाल द प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अगस्त को कौन से राज्य में इसको लॉन्च किया गया वैसे मेडिसिन फ्रॉम स्काई की अगर आप बात करेंगे तो ये तेलंगाना के अंदर तो पहले ही आ चुका था लेकिन अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगला सवाल पारसीज का नया त्यौहार जो है जिसे हम कहते हैं न्यू फेस्टिवल ऑफ पारसी दैट इज फेस्टिवल क्या है नवरोज फेस्टिवल सवाल में कहा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है वो कौन सी तारीख को किया गया तो इसका जो आयोजन है वो 16 अगस्त को किया जाता है कब होता है 16 अगस्त को आयोजन किया जाता है अगला हो एज मीन नेम्ड एज अ ए ने इसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है इनका नाम क्या है पीयूष गोयल जी को अपॉइंट किया गया है ये पीयूष गोयल जी वो मिनिस्टर वाले नहीं है ये अलग से आई ऑफिसर है जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है आहा देखो तो जरा कौन आया है बैंक वैंग फाइव बैंक फाइव ये वो चिकू चाइना है चिकू चाइना जिसने अपना एक बेसल जो है वो भी खाना पानी करने के लिए हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका पे और वहां से खाना पानी करने के बाद ये अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकल पड़े ये याद रखिएगा हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये चाइना के पास में लीज पर है अगला सवाल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कौन सा एडिशन आयोजित किया गया तो ये थर्टींथ एडिशन था जिसके अंदर ध्यान रखिएगा कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो एक बार फिर से किसको गया है तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको गया है एट्टी थ्री को गया यही आपसे बार बार घुमा घुमा के पूछा जाएगा अगला मेरी ना तब इनको भी हाल ही में लिस्ट पर ट्वेंटे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं तो ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से कहा से बांग्ला बिलोंग करती हैं नेक्स्ट पे आइएगा अगला सवाल पार्टी डे पार्टीशन रिमेंबरेंस डे ये कब मनाया जाता है ये तो मैम याद है और आई थिंक यही एक क्वेश्चन है जो मैम याद भी है मन में सोच रहे होंगे कि मैम आज आपने यहाँ पे पूरा पूरा साल लाइक जितना हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं सारा का सारा आज ही बढ़ाना है क्या ना भाई ना ये सिर्फ और सिर्फ ऑगस्ट का कंपाइलेशन है और कंपाइलेशन जब होता है तो टाइम थोड़ा लगता है ठीक है अगला सवाल बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक रिवर जाती है आपको बताना उसका नाम क्या है और ये क्या है बराक रिवर जो है उसके साथ में इसका नाम जुड़ा हुआ है ये रिवर कौन सी हो जाएगी कोशियारा रिवर कौन सी हो जाएगी कोशियारा रिवर जिसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगला सवाल फर्स्ट कंट्री टू मेक द सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री ऐसा किसने किया है तो ये किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा किसने स्कॉटलैंड ने ऐसा किया अगला सवाल सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स पर आयोजित किए जाएंगे तो इनका आयोजन होगा मेघालय के अंदर शिलोंग में इसका आयोजन किया जाएगा पहला वाला जो एडिशन था वो कहां हुआ था तो पहला वाला जो एडिशन था उसका आयोजन मणिपुर के अंदर किया गया था ये क्या है दूसरा एडिशन है इंटरनेशनल यूथ डे इंटरनेशनल यूथ डे एलिफेंट डे लाइन uh, डे या फिर बायोफ्यूल डे day, ये डेज जो है ना याद रखना चलो नेक्स्ट पे आज बताओ द दर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है क्या गोल्डन आर्च ब्रिज या गोल्डन ज्वाइंट आर्च ब्रिज ये कहां पर लॉन्च किया गया है ये कहां पर लॉन्च किया गया है हम्म इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है ठीक है चलिए इसकी हाइट कितनी होगी थ्री मीटर इसकी हाइट रहेगी चेनाब नदी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन मनाया जाता है तो ये जो दिन है ये बारह अगस्त को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो हिंदी जो है वो तीसरी ऐसा ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है और ये सवाल आपके ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था अगला सवाल बताइए रामसर साइड अब कितनी हो गई अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना तो अब कितनी हो गई सेवेंटी फाइव टोटल हो गई मैक्सिमम कहां पर हो गई तमिलनाडु के पास में मैक्सिमम साइट्स आपको मिलेंगे अगला फर्स्ट एडिशन विमेन आईपीएल का कब खेला जाएगा तो विमेन आईपीएल का पहला एडिशन होगा मार्च 2023 में अभी तक इसका आयोजन नहीं होता था पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन हॉकी लीग इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट मिल्क बैंक अभी हाल ही में कौन से देश में लॉन्च किया गया तो मिल्क बैंक जो है जैसे मिल्क ए होता है ना वैसे ही मिल्क बैंक है ये लॉन्च किया गया कहाँ पर नेपाल के अंदर नेपाल के साथ में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो एक्ट है उसको भी साइन किया है अगला सवाल इनमें से कौन सी ऐसी पायलट है जिनको अभी हाल ही में जगह मिली है यूएस एविएशन म्यूजियम के अंदर इसके अंदर जगह मिली है ये कौन है जोया अग्रवाल कौन है जोया अग्रवाल अगला सवाल इनमें से कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कहा है कि वो अपने यहाँ का जो मेजर एयरपोर्ट है उसका नाम नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पे रखेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ क्या है चंडीगढ़ इज द राइट आंसर अगला सवाल कौन सा डे है जिसको हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाते हैं दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम ये सेलिब्रेट होता है कब बीस अगस्त को नेक्स्ट जी टैग फॉर मिथिला मखाना जी आई टैग फॉर मिथिला मखाना आज तुम लोग के हाथों की एक्सरसाइज हो गई होगी मन में सोच रहे होंगे टीचर्स डे पे ही मैम को ऐसा करना था है ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम्हारा ही रिवीजन हो रहा है है ना वरना फिर क्या होता कुछ नहीं था एक गैप क्रिएट हो जाता सिंपल हम भी आपको कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे और कहानी खत्म हो जाती बट मैंने सोचा कि यार चलो ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रात में साढ़े बजे ठीक है तो यार अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो तुमको भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ाई करना तो बनता है इसका आंसर क्या होगा बिहार इज द राइट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट पे आइए फर्स्ट पोर्टल जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया नार्कोटिक्स के ओपेनर्स को क्या ऑडिट करने के लिए जिसका नाम था निदान क्या नाम था निदान के नाम से इसको लॉन्च किया गया अगला सवाल अंडर ट्वेंटी रेस्टलिंग चैंपियनशिप टू टू के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऐसा करने वाली ये सबसे पहली खिलाड़ी बनी है इनका नाम क्या है अंतिम पंगल क्या नाम है अंतिम अगला सवाल तलाश या, तलाश या, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप आउट हैं उनको यहाँ पे ढूंढ के क्या किया जाएगा उनको दोबारा से स्कूलिंग कराई जाएगी ये जम्मू एंड कश्मीर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था अगला सवाल फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा अभी हाल ही में एक्वा बाजार को लॉन्च किया गया सवाल में कहा जा रहा है कि इसको इनमें से कौन सी योजना के अंदर लॉन्च किया गया तो मत्स्य सेतु से योजना के अंदर इसको लॉन्च किया गया ये याद रखिएगा ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किया जा रहा है अगला सवाल द्रौपदी मुर्मू जी की सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया इनको भी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है सवाल में कहा जा रहा है सेक्रेटरी के रूप में किसको चुना गया तो ये कौन हो जाएंगे यहाँ पे राजेश वर्मा जी का अपॉइंटमेंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल कहां पे लॉन्च किया जाएगा बताओ कहां पर लॉन्च किया जाएगा आज आप लोगों को को शाम को अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे ठीक है ना जो ये पूरा इवेंट होगा पूरी कोशिश होगी कि उसमें से जो अच्छे अच्छे क्लिप्स होंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर किए जाए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के साथ में अगला कॉमन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर तो यह आयोजन किया जा रहा है कनाडा के अंदर कहां पर नेडा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है नासा का आरटीम थ्री मिशन देखो इसके बारे में मैंने कल के क्लास में पढ़ाया है नहीं देखा है तो देख लीजिएगा यह मिशन किस पे जाएगा चंदा मामा पे कहां पर मून के ऊपर इसको भेजा जाएगा अगला सवाल पिनाका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राजस्थान में भी हाल ही में इसको टेस्ट किया गया डीआरडीओ ने डेवलप किया है ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी अबावा करेक्ट ये क्या है एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसको राजस्थान के अंदर टेस्ट फायर किया गया अगला सवाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी का एक स्टेचू अभी हाल ही में अनवील किया है कहाँ पर पैरागुए के अंदर पैरागुए और उरुग्वे ये दोनों वो कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं कहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर सिल्क मार्क एक्सपो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया सिल्क की क्वालिटी जो बेस्ट टाइप की होती ना उसके लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और ये आयोजित किया गया कहां पर दिल्ली के अंदर कहां इसका आयोजन हुआ दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया अगला सवाल शुभमन गिल इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है और ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है कौन सी कंट्री के अगेंस्ट ऐसा किया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और यही सेम काम जो है वो सचिन ने भी किया था किसके अगेंस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगला इंडिया ने अभी हाल ही में इनमें से कौन सी टीम को हराया जिसके बाद में फोर्टीन एशियन मैन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कि तेहरान के अंदर हुई थी उसमें जीत दर्ज की है आपको बताना है कि कौन सी वो टीम थी जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज की है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो ये कौन हो जाएगी अरे यार तुम लोग बताओ तो फटाफट से जल्दी से लिख के होता आधे बताओ दो ही ऑप्शन बचे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है अगला ओहो बीबी बाय स्टोरी ऑटोबायोग्राफी किसकी है बेंजामिन नेतायु की ये क्या है ऑटोबायोग्राफी है इसके ऊपर सवाल आपसे बनाया ही जाएगा बांग्लादेश के अंदर जन्मी पमीदा आजम इनको भी हाल ही में पुल अवार्ड के लिए क्या किया गया है नामित किया गया है इनका जो नाम है वैसे तो रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री दोनों के साथ में जुड़ा है लेकिन इनको जो अवार्ड है वो कमेंट्री के लिए दिया जा रहा है ये कहाँ से जुड़ी है बांग्लादेश के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है वर्ल्ड गुजराती डे किस दिन मनाया जाता है 24 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है और अगर कहा जाए कि गुजरात को एज अ स्टेट कब बनाया गया था तो ये फर्स्ट ऑफ मे फर्स्ट ऑफ मे 1960 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था अगला एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पे बनाया जाएगा तो ये यूपी के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे यूपी के अंदर इसको बनाया जाएगा अगला सवाल पीएम के द्वारा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल सेंटर जो है ये कहाँ पर खोला गया तो ये पंजाब के अंदर खोला गया लेकिन ये याद रखना इसके बाद में ये जो एशिया का बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा कोई बता रहा है मेरे को ही बताना है इसका नाम जरा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ कि इसका नाम क्या होगा इसको ओपन किया जा रहा है और ये ध्यान दीजिएगा इसका नाम है अमृता ठीक है इसका सेंटर बना है केरला में और अलग अलग जगह पे इसके आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे ये हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है एशिया का बिगेस्ट है हरियाणा के अंदर इंडिया की रैंक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के अंदर क्या रही नंबर थ्री पे इंडिया रहा नंबर वन पे कौन था ईरान इंडिया कौन से पे था नंबर थ्री पे आपको इंडिया की रैंकिंग देखने को मिलेगी इंडिया के नाम ये पांच मेडल्स तीन गोल्ड, दो सिल्वर मेडल देखने को मिले अगला सवाल सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पोस्टल स्टैंप इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में जारी किया है तो ये इजिप्ट के साथ में जारी किया है इंडिया और इजिप्ट के सेवेंटी फाइव जो है वो अभी हाल ही में पूरे हो गए हैं शूटिंग के लिए अलग से यहाँ पर क्या बनाया गया है एक यहाँ पर इनडोर शूटिंग रेंज डेवलप किया गया कौन सा वाला आई होगा आईन कर्ण जो है इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है आइएस कर्ण और एक आयस विक्रांत है एक आयस कर्ण है और एक आपका आई तलवार है अगला यूनेस्को पीस प्राइस 2022 से किसको नवाजा गया तो ये होंगी एंजला मर्केल ये कौन थी ये थी वाइस चांसलर कहाँ की जर्मनी की अगला सवाल द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कहाँ पे लॉन्च हुई जर्मनी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है ठीक है अगला डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग एस की जितनी भी मीटिंग होगी सब सब हो अभी हाल ही में जारी हुआ जिसके अंदर हरिद्वार जो है वो आपको नंबर वन पे देखने को मिला सवाल में कहा जा रहा है डेटा किसने जारी किया नीति आयोग के द्वारा इस डेटा को जारी किया गया है अगला ऑन विच डे विमेंस इक्वालिटी डे अंदर छब्बीस अगस्त का छब्बीस अगस्त अगला इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने यूनेस्को के साथ में अप किया है ताकि जो कल्चर है और जो टूरिज्म है दोनों को बढ़ाया जा सके ये कौन हो जाएगा रॉयल इनफील्ड है बस ये ध्यान दीजिएगा इनटेंजिबल जो है यानी कि टोटल जो चौदह है उनके लिए काम करेगा अगला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी हाल ही में बायो गैस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है सवाल में कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर लॉन्च किया गया आप मुझे बताओ मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी मुझे पता है जब तुम लोग को कुछ नहीं आएगा तो सीधे बोलोगे मैं गुजरात सीधे आंसर आएगा तुम्हारा गुजरात सोच so, समझ के आंसर करना ये राजस्थान भी हो सकता है इट्स नॉट कि यह गुजराती हो सही से आंसर करिएगा अगला सवाल कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में के सुब्रमण्यम जी जो हैं इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया इंडिया के लिए आईएमएफ में सवाल में कहा जा रहा है द ऑफ आईएमएफ वाशिंगटन डीसी के अंदर कहां पे वाशिंगटन डीसी के अंदर अगला ट्री प्रोटेक्शन एम्बुलेंस कहां पे लॉन्च की गई है तो इसको लॉन्च किया गया है इंदौर के अंदर कहां पर इंदौर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है ये वाला सवाल डीआरडीओ आर डी ओ के चेयरपर्सन डीआरडीओ के चेयरपर्सन वेरी इंपॉर्टेंट नेम समीर कामत अब ने का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा ये सवाल तुम मान के चलो तुम्हारे पेपर में छप ही छपना है वर्ल्ड के अंदर वाटर वीक जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कब से शुरू हुआ ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट से इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर तक इसका आयोजन किया गया इसके अंदर एक अवार्ड दिया गया है अवार्ड का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सीइंग द अन वैल्यू ऑफ वॉटर ये क्या हो जाएगा इसका थीम था इस बार का अगला जो कि है आपका आखिरी सवाल आज आपने बहुत सारे सवाल करा डाले विश यूल ओके सवाल बताइए इन्होंने ने हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2022 का खिताब जो है वो जीता है जो की ट्वेंटी एडिशन था सवाल ये कहां से बिलोंग करते हैं तो ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं तो ये था अपना का कंपाइलेशन पूरी कोशिश रहेगी कि, कि कल का जो सेशन हो सुबह का वो आपका लाइव लिया जाए और ये है आपका टेलीग्राम आज की क्लास की हम आपको बाद में शेयर करेंगे आज शेयर नहीं हो पाएगी इसके अलावा आप लोगों का जो लाइव सेशन है वो सात तारीख से स्टार्ट हो ही जाना है ऑब्वियस ही बात है ठीक है शाम को तो आपसे मुलाकात करेंगे ही करेंगे और ये है आपका पेड बैच जो कि आठ तारीख से शुरू हो रहा है जिसके अंदर सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे एक साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये सारे के सारे टीचर्स एक ही बैच को ज्वाइन करने पे मिल जाएंगे अपना सवाल पूछो आइकॉनिक फीचर्स को अवेल करो कोड जो है वो रहेगा प्रति किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ए टू जेड एनी एग्जामिनेशन आप रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज इज रिपोर्ट एंड विन ठीक है चलिए सो अगेन विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स है अपने गुरुओं को जरूर से विश कीजिएगा और आपसे मुलाकात करेंगे कल आज शाम को छह बजे दे खुश रहिए मुस्कुराते रहिए की प्लानिंग की प्रिवाइजिंग बबाई हाँ ठीक है कीप